ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रन्तन्न आसु वा ॐ। हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के इस फरेण कला ग्राम में आर्य समाज की जो स्थापना पहले हुई है और आज जो इसका पुनश्चर्या चरण चल रहा है, पुनः आर्य समाज को एक गति देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं आर्य समाज के समस्त कार्यकर्ताओं को, सभासदों को, पदाधिकारियों को एवं समस्त फरेण कला ग्राम निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आर्य महासंघ के तत्वावधान में आर्य समाज का यह पुनः सशक्तिकरण का जो कार्य आप लोगों ने किया है, वह अवश्य ही इस ग्राम की ख्याति को पूरे जिले में, पूरे प्रांत में ही नहीं अभी तो पूरे देश में फैलाने का काम करेगा। आप सब लोगों ने वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता आर्य समाज, आर्य विचारधारा, ऋषि मुनियों के सिद्धांत और वेदों की आज्ञाएं जो जीवन में धारण की हैं और भविष्य में वेदों के अनुसार जो आप समाज को बनाना चाहते हैं, वेदों के अनुकूल जो सारे विश्व के मानवता के हित पोषक लोग आर्य बनना चाहते हैं, उन सब का इस आर्य समाज में आप स्वागत करेंगे। उन सब के अभ्युदय के लिए उन्हें वैदिक सिद्धांतों से ओतप्रोत करेंगे और समय समय पर आर्य पर्वों पर, उत्सवों पर इस संपूर्ण समाज को सत्य सिद्धांतों से परिचित कराते हुए आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य हनुमत प्रसाद आज आपके बीच में उपस्थित न हो पाने के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। आर्य निर्माण के कार्य से आज इंदौर में हूँ और सतत आपके ही कार्य के लिए आप सब, जैसे आप सब लोग मिल करके आर्यत्व बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे हम भी आपके ही कार्य को करने के लिए आज इंदौर में हैं, इसलिए आपके बीच में उपस्थित नहीं पाए हो पाए हैं। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं और आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इसी गति से और आगे बढ़ेंगे और इससे भी अधिक गति से पूरे देश के आर्यकरण के अभियान को एक नई दिशा देंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।